नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंस्टेंट रेसिपी, जो कि आम का लच्छा अचार है, इसे आम का कूचा भी कहते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम का लच्छा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2 आम, ये 500 ग्राम आम है, और 100 ग्राम लहसुन लिया है। आम को मैंने धो लिया है, धो के कॉटन कपड़े से पोंछ लिया है अच्छे से। लहसुन को भी धो के कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम आम को छील लेंगे। आम को मैंने छील लिया है, अब यहाँ पे लिया है ग्रेटर, अब मैं आम को ग्रेट कर लूँगी। आम को मैंने ग्रेट कर लिया है, लहसुन को भी दरदरा कूट लेंगे। लहसुन को इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है इस तरह से। मैंने लिया है कुछ मसाला, मैंने लिया है 100, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ धनिया लिया है, और 1 टीस्पून लिया है मेथी दाना, और 1 टीस्पून लिया है जीरा, और 1/2 टीस्पून लिया है मंगरेला, इसे हम कलौंजी कहते हैं, और लिया लाल मिर्चा और काली मिर्च लिया है, इसे हम भून लेंगे। सब मसालों को मैं एक साथ भून लूँगी। मसालों में खुशबू आने तक हम भूनेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे इसे। खुशबू आने लगी है, हम गैस बंद कर देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम तेल गरम कर लेंगे। ये 1 कप तेल लिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। सारे मसालों को पीस लूँगी दरदरा। पीला सरसों को भी पीस लूँगी, 1 टेबल स्पून है, इसे दरदरा ही पीसेंगे। इस तरह से मैंने मसालों को दरदरा पीस लिया है। अब मैं लूँगी 1 बड़ा सा बाउल, इसमें ग्रेट किया हुआ आम को डाल दूंगी और कुटा हुआ अदरक को भी डाल दूंगी। अब इसमें मैं जो मसाला मैंने पीसा था दरदरा, वो मैं डाल दूंगी। मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला मिर्चा है। भर के 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर बहुत अच्छा देता है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी, और स्वादानुसार नमक, और 1/2 टीस्पून हींग डालूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद। अब इसे मैं तेल में डाल दूंगी, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये चटपटा अचार खाने का स्वाद बढ़ा देता है। अचार की इंस्टेंट रेसिपी है, ये धूप में भी रखने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत बन जाती है फटाफट, और ये 2 दिन वेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तुरंत खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब अचार को हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, सेट हो चुका है। मैंने लिया एक कांच का बोतल भरनी, अब इसमें हम भर देंगे। इसे आप 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर जरूर डाल दीजिए। विनेगर डालने से आपका अचार 1 साल तक खराब नहीं होगा। दोस्तों मेरा आम का लच्छा अचार तैयार है, इसे आम का कूचा भी बोलते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।